मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अगेन सी ए नितिन कन्वर। आज हम डिस्कस करेंगे टूसनेट एसटी, टूसनेट एसएस और टूसनेट टी। हर बंदे को बताया टूसनेट एसटी हैज कम इज ओनली इन फाइनेंस एक्ट 2017। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि आज हम टूसनेट एसटी को पहले डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश होगी मैं करीबन 10-12 जो एग्जाम्पल्स दूंगा जो डे टू डे लाइफ में हम लोगों को दिक्कत करते हैं कि टूसनेट एसटी लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। उसके बाद जो कुछ बच जाएगा उसने एसएसटी के लिए वो हम डिस्कस कर लेंगे कि पेनल्टी कब लग पाएगी, क्या छूट उसके अंदर है, क्या छूट इसके अंदर नहीं है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टूसने एसटी। तो टूसने एसटी कुछ 2017 में जब आया, क्योंकि अब ये लग रहा है 18-19 असेसमेंट ईयर से, और अब हमें क्योंकि टैक्स ऑडिटर में रिपोर्टिंग भी करनी है, और रिपोर्टिंग करने से पहले, अच्छा रिपोर्टिंग में वो यही पूछ रहा है कौन रिसीव कर रहा है, कौन पेमेंट कर रहा है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट अस अप्रिशिएट कि अगर कोई चीज सेक्शन में, अगर आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करनी है किसी टैक्स ऑडिटर को, या फिर किसी को जानना है कि रिपोर्टिंग कैसे होनी है, उसके लिए मेरे बिलीव के हिसाब से आपको सेक्शन भी पता होना चाहिए कि कब सेक्शन हिट कर रहा है, कब सेक्शन हिट नहीं करेगा। और साथ के साथ आपको यह भी अगर पता लग जाए कि सेक्शन का तो वायोलेशन हो रहा है बट शायद पेनल्टी से हम बच पाए, तो हम वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद आई बिलीव इसके बाद एसटी के अंदर क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी आ जाएगी। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग टूसनेट एसटी। सो टूसनेट एसटी कुछ ऐसे बोलता है, नो पर्सन शैल रिसीव अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर। उसके बाद 3 सब क्लॉजेस। पहला सब क्लॉज है, बोलता है इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे। दूसरा सब क्लॉज बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिंगल ट्रांजेक्शन। तीसरा बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, जो सी के बारे में बोल रहा हूं मैं आपको, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एन इवेंट, वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। सर उसके बाद की चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लेट अस डिस्कस कि ए बी सी में क्या कवर हो रहा है। इट इज व्हाट इज कवर्ड, व्हाट इज इट इज रिस्पेक्टिव ऑफ। अगर मैं ए को स्टार्ट करूं, ए ऐसे कुछ बोलता है कि इन एग्रीगेट From a person in a day, इसका मतलब it is qua a person, qua a day, चाहे transaction जितनी मर्जी हो, am I clear subject? Transaction से matter नहीं करता है, right? qua a person और एक दिन के अंदर। इसका मतलब अगर मैं example लूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 50,000 रुपए के कोई 10-12 बिल आपने सेल करे, right? बट वो कोई व्यक्ति आपको 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा अगर किसी एक दिन में दे देता है रिस्पेक्टिव ऑल 10 बिल्स ऑफ 50,000 रुपीज ईच। सर वो एक दिन में दे रहा है और एक ही व्यक्ति दे रहा है, तो ऐसे केस में सर टूसनेट एसटी लगेगा। दूसरा वो बोलता है बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब सर कुआ अ सिंगल ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्टिव ऑफ, सर जितने मर्जी दिन में मिल जाए, और रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सन, जितने मर्जी पर्सन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मान लीजिए आपने कोई सेल करी 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की सेल करी, अब कोई व्यक्ति आपको पेमेंट कर रहा है उस बिल के अगेंस्ट 50,000-25,000 करके कैश, और मान लीजिए 10 दिन में या 15 दिन में या महीने में उसने आपकी 2.5 लाख से ऊपर पेमेंट कर दी या 2 लाख से ऊपर पेमेंट कर दी, सर ऐसे केस में सर आप पे टूसनेट एसटी का ये बी क्लॉज हिट करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए बिल आपका एक ही 5 लाख रुपए का, बट हुआ क्या, पहले एक ब्रदर ने आपको लाख रुपए पेमेंट कर दी, दूसरा ब्रदर आया कि यार मेरे भाई की माली हाल ठीक नहीं है तो 1.5 लाख रुपए कैश मुझसे भी ले जाओ। सर यहां पे अब पर्सन नहीं है, अगर ट्रांजेक्शन कोई एक है लेकिन आपको मिले हैं अलग अलग व्यक्ति से एक ट्रांजेक्शन के बदले में, तब भी टूसनेट एसटी हिट करेगा। तीसरा सर वो क्या बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। इसका मतलब क्या क्या हुआ सर, अगर मैं बात करूं कुआ, इट इज कुआ वन इवेंट, एन इवेंट और ओकेजन, और क्या बोलता है कुआ अ पर्सन, किसके द्वारा मिलना चाहिए, पर्सन से मिलना चाहिए। इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट। इसके एग्जाम्पल को जब मैं आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करूं ओकेजन इवेंट का, तो उसको सही तरीके से समझा पाऊंगा कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है। अब उसके बाद इन्होंने समझाना शुरू किया अदरवाइज, इन तीनों ट्रांजेक्शन के पास अदरवाइज
सर किस किस मोड से? सर अदरवाइज देन थ्रू अ अकाउंट पे चेक, अदरवाइज थ्रू अ अकाउंट पे ड्राफ्ट, और अदरवाइज थ्रू सर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट ऑफ बैंकिंग चैनल। सर उसके बाद कुछ एक्सेप्शन डाली, एक्सेप्शन डाला ये किस किस पे लगेगा? गवर्नमेंट पे लगेगा। ये किस किस में लगेगा? ये मान लीजिए बैंक पे नहीं लगेगा, ये कोऑपरेटिव बैंक पे नहीं लगेगा, ये पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पे नहीं लगेगा, और साथ के साथ उन्होंने बोला ये एसएस में जो ट्रांजेक्शन कवर्ड है उस पे नहीं लगेगा, और साथ के साथ कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसी कोई पर्सन जिसको गवर्नमेंट नोटिस, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है। अगर मैं वो एग्जाम्पल के रूप में लूं, अगर एग्जाम्पल डिस्कस करें हम इसके अंदर, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को पेमेंट मिल जाती है से रेंटल रिसिप्ट। हम बात करते हैं रेंटल की, लोग बोलते हैं यार रेंटल आपको मैं पेमेंट कर रहा हूं किसी को पूरे साल के अंदर 2 लाख से ज्यादा, तो क्या 2 लाख से ज्यादा अगर मैं रेंटल पेमेंट कर रहा हूं क्या ये कवर हो पाएगा? सर बहुत सारे स्पीकर बोलते हैं कि हर महीने की ट्रांजेक्शन अलग ट्रांजेक्शन है इसलिए कवर नहीं हो पाएगा। बट सर यहां पे एक कैच है। सर अगर मान लीजिए 11 महीने का एग्रीमेंट और आपने एक 11 महीने का एक एग्रीमेंट करा रखा है और आप जब पेमेंट कर रहे हो, आप हर महीने कर रहे हो, उसे 11 महीने की 25,000 रुपए रेंट है और 25,000 रुपए हिसाब से आपने 11 के हिसाब से 2 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है, तो टू माय बिलीव सर एक एग्रीमेंट भी एक ट्रांजेक्शन का पार्ट है। और ट्रांजेक्शन का पार्ट ऐसा नहीं है कि आप हर महीने रेंट रेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढने जा रहे हो या हर बार रेंट के लिए बात करते हो कि भाई साहब ये महीना पूरा हो गया मुझे अगले महीने के लिए दोबारा दे दो। जो आपको 11 महीने के लिए उसने प्रॉपर्टी दी हुई है, इट इज पर हुआ अ ट्रांजेक्शन ओनली। टू माय माइंड ऐसे केस में अगर आपकी पेमेंट किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बेस पे है तो ऐसे केस में अगर 2 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है इवन दो आप मंथली पेमेंट कर रहे हो, सर ये कवर होगा। दूसरा केस सर, दूसरा एग्जांपल आता है सर आप हॉस्पिटल को अगर पेमेंट करते हो 2 लाख से ऊपर, सर इसमें भी डिपेंड करता है कि सर आपकी ट्रांजेक्शन किस तरह की है। मान लीजिए कि हॉस्पिटल मैक्स में जाता है और मैक्स में जमा करने के बाद उसका ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन के साथ कुछ दवाइयों की बात हो रही है और डॉक्टर जो आ रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स नॉर्मली हॉस्पिटल बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है वो अलग अलग डॉक्टर्स को भी बार बार देखने आते हैं। अब उसकी पेमेंट आप इकट्ठे दवाइयों के साथ या कंज्यूमर के साथ या ऑपरेशन के साथ आप इकट्ठे या फिर वो जगह की आप इकट्ठे पेमेंट कर देते हो सर। सर इट इज हुआ अ ट्रांजेक्शन ओनली, टू माय माइंड सर इस पे लगेगा। लेकिन अगर दूसरा कोई सेम हॉस्पिटल है, आप कभी डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने उसको दवाई दे दी, फिर अगली बार दोबारा दिखाने गए उसने 4 टेस्ट बोल दिए, अगली बार फिर दोबारा दिखाए उसने बोला नहीं आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। सर ये ट्रांजेक्शन सब अलग अलग है। अगर इन तीनों को मिला के आपने 2 लाख की पेमेंट करी है तो ऐसे केस में सर यहां पे ट्रांजेक्शन अलग अलग हो रही है। ऐसे केस में ये तीनों ट्रांजेक्शन को आप क्लब नहीं करेंगे। अगर एक ट्रांजेक्शन में 2 लाख से ऊपर है तो दिक्कत आएगी। अब डिस्कस करते हैं सर, मान लीजिए ऑन ओकेजन ऑफ इवेंट, मान लीजिए आप कैटरर को पेमेंट कर रहे हैं, और दूसरा एग्जांपल मैं बाद में समझाऊंगा आपसे। सर जब इस सी क्लॉज को लोगों ने डिस्कस किया, जितने भी स्पीकर्स ने डिस्कस किया, उन्होंने समझाना शुरू किया वो क्या बोल रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। तो उन्होंने समझाना शुरू किया, मान लीजिए मेरे घर में शादी है और मेरी शादी के बाद उन्होंने बोला कि मेरे घर में शादी है, अब आज शादी है, एक दिन पहले से मेहंदी लगाता है और एक दिन पहले से सगाई है। तो इस केस में मान लीजिए मैं कैटर को पेमेंट कर रहा हूं और एक ही कैटर कर दिया है। सी अगर मान लीजिए तीनों की पेमेंट अलग अलग कर रहा है, मान लीजिए से सगन कर रहा है लड़के का बाप और मामा जी कर रहे हैं से आपकी मेहंदी की रात, और शादी कर रहा है लड़की का बाप, फिर तो गेम ही खतरा है, फिर तो फ्रॉम अ पर्सन अलग अलग पर्सन है, वहां पर तो दिक्कत ही नहीं है। पर दिक्कत वहां पर जहां पर बोल रहे हैं कि तीनों पेमेंट करने वाला एक ही व्यक्ति है और ऐसे केस में ये एक ही ओकेजन माना जाएगा। सब बात अलग है, लोग ये बोलते हैं शादी शुरुआत में ओकेजन बन जाता है बाद में इवेंट बन जाता है। बट ये तो ऑन अ लाइटर नोट हमने डिस्कस किया, बट सर क्या कैटर पे हिट करेगा? मेरे हिसाब से शायद नहीं। क्यों? सर जब ये बोल रहा है ये कुआ जो इवेंट है या फिर जो बात ओकेजन की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट कुआ रिसीवर और कुआ पेयर। So, लोग बोल रहे हैं इट इज कुआ पेयर, बट अगर मैं सेक्शन को दोबारा बोल के देखूं वो क्या बोल रहा है, नो पर्सन शैल रिसीव अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर, ए बी मैं छोड़ रहा हूं, सी दोबारा बोल रहा हूं, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू एन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। सर ये जो ओकेजन और इवेंट है इट इज कुआ रिसीवर नॉट कुआ पेयर। जब मैं शादी मेरे घर में शादी हो रही है मैं कैटर को पेमेंट कर रहा हूं
वो जो तीनों ओकेजन को आप बोल रहे हो वो एक कुआ पेयर की बात कर रहे हो, जबकि सेक्शन किसकी बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट कुआ रिसीवर ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, कौन से कवर होंगे, मान लीजिए मैंने कोई घर, मेरे घर में शादी है, कोई व्यक्ति मुझे 2,10,000 से ऊपर, 2 लाख से ऊपर मुझे सगन दे देता है, कोई एक व्यक्ति, सर कवर होगा। मान लीजिए मैंने कोई इवेंट किया, किसी ने स्पॉन्सरशिप दे दी इन कैश, सर वो कवर होगा। बट अगर कोई ओकेजन और इवेंट चल रहा है वहां पे मैं पेमेंट कर रहा हूं, सर वो चीज मेरे हिसाब से कवर नहीं होगी। सर ये प्लीज सर आप भी चेक करें, बट आई बिलीव इट इज कुआ रिसीवर ओनली, नॉट कुआ पेयर। उसके बाद किसी ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि नितिन स्टेटमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी, मान लीजिए दैट ही मेड अ पेमेंट इन कैश, मान लीजिए किसी के यहां सर्च एंड सर्वे हुआ, उसके अंदर उसके पास उस व्यक्ति को पता लगा कि उसको कुछ पेमेंट रिसीव हुई थी और बाद में उसने बोला ये पैसे कहां है, उसने बोला जी मैंने तो से ए को दे दिए थे, सो नो डाउट सर यहां पे दिक्कत आएगी। जो जिस बंदे का सर्च एंड सर्वे हुआ उसके बाद तो कभी पहले कैश आया, अमाउंट क्रेडिटेड इन द बुक्स अकाउंट 68 रेड विद 115 बीबी लगेगा, बट अगर मान लीजिए थर्ड उसने बोल दिया कि मैंने ये कैश पेमेंट किसी और को दे दी थी मोर देन 2 लाख रुपीज, सर उसके यहां भी उसने एसटी, अगर ये प्रूफ हो गया कि कैश उसने रिसीव किया था तो उसने एसटी हिट करेगा और 7,271 डीए में पेनल्टी भी लगेगी। सर ये दिक्कत वाला, अब देखिए ये क्या हो रहा है सर, दो धारी तलवार हो गई, उसकी तो पेमेंट हो गई, उसने तो उसमें 68 लग रहा है, 115 बीबी लग रहा है, राइट, और इस पे क्या लग रहा है सर 271 डीए, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सही महीने में 100 रुपए के बदले में दोनों बंदों ने मोर देन 200 रुपए दे दिए, क्लियर सर। अब सर अगला क्वेश्चन कई बार आता है हमारे पास कि मान लीजिए कैश डिपॉजिट बाय अ परचेजर डायरेक्टली इन द बैंक, मान लीजिए आपकी कोई पार्टी है, से आपका क्लाइंट है, उसकी कोई पार्टी मान लीजिए पुणे में या फिर कोई से मान लीजिए पटना में, तो उसने कुछ माल मांगा, आपने बोला जी मेरे को चेक से पेमेंट भेज, उसने बोला चेक से पेमेंट नहीं, अपना बैंक अकाउंट बताया, आपने बैंक अकाउंट बताया, उसने आपके अकाउंट में बैंक में डाल दिया, सर टेक्निकली ये वॉयलेशन है, सर वॉयलेशन है टू एनएसटी का, बट क्या 271 डीए की सर आपके पास पेनल्टी लग पाएगी, सर सर इसमें इस संदर्भ में दो सब जजमेंट्स हैं जो 48(3) के कॉन्टेक्स्ट में है, उसको मैं आपको आपको आपसे शेयर कर रहा हूं। सर उस केस में उन्होंने बोला जहां पे आपकी परचेजर ने डायरेक्टली आपके बैंक में पेमेंट डाल दी है तो वहां पे 48(3) का वॉयलेशन नहीं होता, वो केस लॉ मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। पहला केस है सीआईटी वर्सेस श्रीमती शेली प्लाजा, ये 2013 की जजमेंट है 350 आईटीआर 227 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, तो मुझे लगता है जो मेरे पंजाब और हरियाणा वाले जो चार्ट अकाउंटेंट्स हैं तो उनके लिए ज्यूरिशियल हाईकोर्ट की जजमेंट है तो उनको फेवर करेगी। और दूसरी जजमेंट है रामपदा फरीदा वर्सेस आईटीओ, ये 2016 की जजमेंट है, ये 65taxman.com 213 ये कोलकाता ट्रिब्यूनल की जजमेंट है। ये दोनों जजमेंट में उन्होंने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली पेमेंट आपके अकाउंट में जमा करा देता है तो उस केस में 48(3) का वॉल्यूशन नहीं लगेगा, जब 40 जिस तरह की 48(3) का वॉल्यूशन नहीं होगा तो उस हिसाब से एसटी का भी वॉल्यूशन मेरे हिसाब से सर नहीं लग पाएगा। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन और ड्रॉइंग फ्रॉम द पार्टनरशिप अकाउंट। सर बहुत सारे स्पीकर ये बोलते हैं कि भाई ऐसे केस में क्या है, आप ये दोनों अलग अलग हैं और साथ के साथ वो क्या बोलते हैं, अगर उनसे पूछो भाई सब कहां पे अलग अलग हैं, बोले अगर अलग अलग ना होते तो सेक्शन 45(3) क्यों होता, 45(4) क्यों होता, या 194A में छूट क्यों दी होती। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, सर जब मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करता हूं या फिर मैं पैसे अपने पार्टनर से निकालता हूं, मैं और आप पार्टनर हैं, हम कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर विड्रॉ कर रहे हैं कैश के अंदर, सर पहली बात, सर 1963 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था सर पार्टनरशिप इस क्या है, एक म्यूचुअल एजेंसी की तरह काम करता है। सेक्शन 18 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट वो क्या बोलता है, कोई भी पार्टनर कोई काम कर रहा है इट इज फॉर द पार्टनरशिप ओनली, वो एजेंट की तरह काम कर रहा है। और आप देखिए सर जब आप ड्रॉइंग करते हो, जब पैसे आप निकालते हो, सर ड्रॉइंग कहते हैं उसे पेमेंट नहीं कहते, ड्रॉइंग आप वहीं पे करते हो दैट इज जहां पे आपका अपना अकाउंट होता है, आप अपने पैसे से विड्रॉ कर रहे हो। लेट मी कम टू 45(3) एंड 45(4) जो नॉर्मली लोग कहते हैं, देखो डिफरेंशिएट हो रहा है सर। सर पहले आप इनकम टैक्स की स्कीम समझे सर। सर इनकम टैक्स स्कीम में क्या है, जब आप सेक्शन 14 के अंदर क्लासिफिकेशन होती है तो आपके अलग अलग चैप्टर हैं कंप्यूटेशन के अंदर, पीजीबीपी, सैलरी, इनकम अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी। सर कैपिटल गेन सेक्शन 45 से शुरू होता है, और प्लीज टेक केयर अगर सेक्शन 45 नहीं होता, मतलब कैपिटल गेन का चैप्टर नहीं होता सर, तो जो कैपिटल एसेट को आप एलिनिएट कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो सर टैक्सेशन नहीं हो सकता था, दैट इज नथिंग, अगर सेक्शन 45 नहीं होता तो टैक्सेशन नहीं हो पाता, तो आप कैपिटल रिसीव या कैपिटल गेन पे टैक्सेशन थ्रू कैपिटल गेन चैप्टर ही कर रहे हो,
अब मैं जो कह रहा हूं, जो 45.3 आया या 45.4 आया, वो ये बात बोलता है 45.3 कि मान लीजिए आज की डेट में मैं और आप पार्टनर है, आपने बोला मैंने बोला मैं कैश कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, आपने बोला मैं यार अपनी लैंड और बिल्डिंग देता हूं, तो ऐसे केस में 45.3 क्या बोलता है कि भैया अगर आप कोई लैंड और बिल्डिंग लेके आ रहे हो, इमोबल प्रॉपर्टी लेके आ रहे हो, तो उस केस में आप वैल्यूएशन कर लो उस प्रॉपर्टी का और आपके हाथ में उस हिसाब से टैक्सेशन हो जाएगा क्योंकि आप ट्रांसफर कर रहे हो। सर प्लीज अप्रिशिएट, सर 45.3 एक डीमिंग प्रोविजन है। अगर ये दोनों अपने आप में ऑलरेडी अलग होते तो 45.1 में ऑलरेडी कवर होते, सेम एज 45.4 जो बोलता है डिसोल्यूशन के केस में अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स होगा तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी। सर ये 45.4 अगेन एक डीमिंग प्रोविजन बना रहा है जिसके अंदर वो बोल रहा है कि भाई साहब पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप आर डिफरेंट थिंग। सर अगर नहीं होता तो 45.1 में ऑलरेडी कवर होता। और प्लीज अप्रिशिएट सर ये सेक्शन कब से आए हैं, सर ये 1987 से आए सर, मतलब 88 से एप्लीकेबल थे सर, तो इसका मतलब इससे पहले सर किसी ना किसी केस लॉ में ये बात डिस्कस हुई होगी कि सर दोनों एक ही चीज है, इसलिए आप 87 में ये दोनों सेक्शन दोबारा लेके आए। ये डीमिंग प्रोविजन क्रिएट किया है आपने, इस डीमिंग प्रोविजन से आप क्रिएट कर रहे हो कि दोनों में अलग अलग हैं, बट प्लीज अप्रिशिएट सर मैं जो आपको लॉ समझा रहा हूं सर। यस काफी लोग बोलते हैं बहुत एग्रेसिव है, सर ये आप यूज कर सकते हैं जब आप कहीं फंस जाए, पर आपको जहां पे लगता है ट्राई टू कॉम्प्लाई इट, आप ये मान के चले दोनों अलग अलग हैं, बट टू माय माइंड टू माय बिलीव सर ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। जब आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो सर 2 नहीं लग पाएगा। अब फोर्स रिकवरी, सर फोर्स रिकवरी कई बार क्या होता है कि सर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं एनबीएफसीज, यहाँ पे मान लीजिए आज की डेट के अंदर जो लोन देते हैं, अब मान लो ऐसे केस के अंदर वो लोग पैसे नहीं देते एनपीए हो गए और एनपीए केस के अंदर वो वहां से अपने रिकवरी एजेंट भेजते हैं और रिकवरी एजेंट आपकी रिकवरी करके लेके आते हैं, तो ऐसे केस में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी लोग ये बोले कि भाई साहब अब आप कैश ले आए 2 लाख से ऊपर एसटी लगेगा। सर सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट इट इज रिकवरी ओनली, इट इज नॉट कि किसी ने रिसीव किया दूसरे ने पेमेंट किया, और ये डी पॉइंट सर ऐसे केस में तो अगर रिकवरी वाला पार्ट भी अगर आप इसमें डाल दोगे तो ऐसे केस में क्या होगा, तो वो क्या बोलेगा एनबीएफसी क्या बोलेगा कि भाई साहब आप मैं कहीं से अगर रिकवर ना करूं तो मैं मरता हूं, पेमेंट लेके आ पा रहा, और मैं किसी तरह से कैश रिसीव कर लूं तो आप बोल रहे हो पैसा टू एसटी लग जाएगा। सर यहां पे रिकवरी वाले केस में आपका टू एसटी नहीं लगेगा, बट सर प्लीज अप्रिशिएट सर यू हैव टू प्रूव इट कि सर ये सामने वाले व्यक्ति पेमेंट नहीं दे रहा था, आपको फोर्स एक्शन उठाना पड़ा, आपको रिकवरी करने के लिए कोशिश करनी पड़ी, एनपीए हो गया था। सर जब तक आप ये सब सेशन करेंगे हर पेमेंट को फोर्स रिकवरी नहीं दिखा पाएंगे। अगला क्वेश्चन लोग बोलते हैं गिफ्ट डोनेशन रिसीव बाय फ्रॉम रिलेटिव्स और नॉन रिलेटिव्स। मान लीजिए मेरे घर में शादी है और मान लीजिए मेरे ब्रदर की शादी है, उसके घर शादी हुई और वहां पे किसी व्यक्ति ने 2 लाख से ऊपर पेमेंट दे दी। पहले तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे यार तूने कितनी बार 2 लाख रुपए लोगों को पेमेंट दिए, मान लीजिए किसी ने 2 लाख रुपए सगन दे दिया। सर ऐसे केस में नो डाउट इट इज कवर्ड इन 56(2)(10), या फिर मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे मेरे बर्थडे पे 2 लाख से ऊपर की आपका सगन दे दिया, तो ऐसे केस के अंदर सर मैं क्या करूंगा, सर मुझे 56(2)(10) में तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी बट टू एसटी से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अगला क्वेश्चन सर क्या ये टू एसटी नॉन रेजिडेंट से लगता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई ब्रदर आउट ऑफ इंडिया रहता था, ही केम टू इंडिया, उसने बोला नितिन मेरा पैसे नहीं है तो मुझे कुछ पैसे दे दे मुझे खर्च करने, तो मैंने उसे मान लीजिए 2.5 लाख रुपए दे दिए। सर अगर मैंने उसे 2.5 लाख रुपए दे दिए सर यहाँ पे सब पे लिखा हुआ है चाहे मैं रेजिडेंट हूं चाहे मैं नॉन रेजिडेंट हूं, नो पर्सन लिखा हुआ है कि नेवर डिफ्रेंशिएट कि भैया आप ये रेजिडेंट पे लगेगा कि नॉन रेजिडेंट पे लगेगा, तो ऐसे केस में मैंने अगर 2.5 लाख रुपए दे दिए सर उस पे भी लगेगा। अगला क्वेश्चन सर अब मान लीजिए मेरा ब्रदर आउट ऑफ इंडिया से आया और उसने बोला नितिन तूने मेरी बहुत हेल्प की हुई है, मैं ये $5,000 तो अपने पास रख ले। अब क्या ये $5,000 मैं जब कैलकुलेट करता हूं तो करीबन 5 से 6 लाख रुपए बन जाते हैं, 4-5 लाख रुपए बन जाते हैं, तो क्या ये 4-5 लाख रुपए जो $5,000 वो मुझे दे रहा है क्या इस पर टू एसटी लगेगा? सर काफी लोग बोलेंगे लगेगा, पर सॉरी सर सेक्शन कैसे बोल रहा है, नो पर्सन शैल रिसीव अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर। यहां पे 2 लाख रुपए की बात कर रहा है सर, मुझे $5,000 मिले रुपीज नहीं मिले, तो $5,000 इज नॉट अ लीगल करेंसी, लीगल टेंडर नहीं है, मैं यूज कर सकता हूं। अब कोई व्यक्ति बोलेगा वैसे आप कन्वर्ट तो करा ही लोगे, सर कन्वर्ट तो मैं सोना भी करा लूंगा, अगर मान लीजिए किसी ने सोना दे दिया तो सोना भी कन्वर्ट करा सकता हूं,
सर यहां पे 2 लाख रुपीज लिखा हुआ है, तो 2 लाख रुपीज का मतलब एनीथिंग विच इन रुपी टर्म। अगर कोई डॉलर है, कोई मान लीजिए कुछ कुनार के है, या कुछ और भी करेंसी है जो अदर देन इंडियन करेंसी है, सर वो इसमें कवर नहीं होगी। अब क्लियर सब्जेक्ट सर। अगला क्वेश्चन सर, कई लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मान लीजिए मैंने आपके यहां जो क्रेडिट कर दिया फ्रॉम जर्नल एंट्री या फिर बुक एंट्री से कर दी, अब ऐसे केस में क्या तुमने एसटी हिट करेगा? सर अगर आप इस सेक्शन को पढ़े, वो क्या बोलता है, अदरवाइज देन 3 मोड्स बोल रहा है। कौन से 3 मोड कौन से बोल रहा है? पहला अकाउंट पे चेक, दूसरा बोल रहा है अकाउंट पे ड्राफ्ट, तीसरा क्या बोल रहा है, एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बैंक बैंकिंग चैनल, राइट। तो इसका मतलब सर ये आप, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको एक साल पीछे रहता 2018 के बजट में लेके जाता हूं। अगर आप 43CA अगर आपको किसी को याद हो, 43CA के अंदर व्हाट हैपेंड, वहां पे लिखा हुआ था अदरवाइज देन कैश, एनी अदर मोड अदर देन कैश। अब 2018 से जो कि 19-20 से लगेगा, अब इन्होंने इन्हीं तीनों मोड को लिख दिया है। जब इन तीनों मोड को लिख दिया है तो नाउ इट हैज बीन सेट पॉजिटिवली, पहले नेगेटिवली लिखा हुआ था। तो लोग क्या करते थे 43CA के अंदर, लास्ट ईयर तक उन्होंने बोला कि पीपल कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी बुक करनी है, मैंने कोई सोने की गिनी दे दी, मैंने बोला भाई साहब सोने की गिनी दे दी, आपने कैश को मना किया था, बाकी कोई और मोड तो मना किया ही नहीं था, तो इसलिए उसको कवर अप करने के लिए इन तीनों को कवर कर दिया है। इसका मतलब कोई, मैं इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर आपको पेमेंट करूंगा बुक एंट्री या फिर कोई जर्नल एंट्री पास कर लूंगा, सो वहां पे भी 2GST हिट करेगा, बट आपको कॉम्प्लायंस करना है, रिपोर्ट करना है। क्या लेकिन पेनल्टी लग पाएगी? सर यहां पे पेनल्टी नहीं लग पाएगी, क्यों? क्योंकि 271DA टॉक्स अबाउट सम, और जब जब सम आता है इट इज टॉक अबाउट सम ऑफ मनी। तो ऐसे केस में सर आपकी टेक्निकल वायोलेशन तो हो गया 2GST का, बट सर आपके केस के अंदर सर पेनल्टी नहीं लग पाएगी। इस केस में सर 2SS के रिलेशन में भी 2-3 जजमेंट्स है, वो अगर आप जजमेंट बोले तो मैं आपको जजमेंट लिखवा देता हूं, सेम 2SS में की बात करता है। वो जजमेंट कुछ ऐसी है, CIT वर्सेस वर्ल्ड वाइड टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 2014 की है, 367 ITR 455 दिल्ली। देन देयर वाज अ कल्चरल मिनरल फ्लोर बिल्स वर्सेस एडिशनल CIT 2015 की जजमेंट है, 590 ITR 50 आंध्र प्रदेश। उसके बाद है सनफ्लावर बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी CIT 1997 की जजमेंट है, 61 ITD पुणे 227। सर व्हाट दे वांट टू से, ये तीनों बोलते हैं कि सर बेसिकली सर 2SS या 2T या फिर 2SS अगर आप ST को ही पढ़े, वो बोल रहे हैं ब्लैक मनी घूम रही है, वो ब्लैक मनी को कर्व करना चाहते हैं। इसका मतलब अगर आपके केस के अंदर मनी करेंसी इज नॉट इन्वॉल्व, मनी इज नॉट इन्वॉल्व, ऐसे केस में वो बोल रहे हैं कि भाई साहब आपको पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी तभी लगेगी जब आपकी करेंसी इन्वॉल्व होगी, राइट। अगला क्वेश्चन, आई बिलीव मैंने कोशिश करके सारे एग्जांपल समझा दिए, अब थोड़े से एक दो क्वेश्चन लेट अस कोरिलेट विद, अब आगे बात करते हैं। वो बोलता है कि क्या, कुछ लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा वेदर सेक्शन 2GST विल बी एप्लीकेबल टू ट्रांजेक्शन ऑफ विच इज कवर्ड इन 2GST। सर जैसे मैंने आप बताया कि सर ऑलरेडी उसमें लिख दिया है कि ये ट्रांजेक्शन कहां का कवर नहीं होगी, गवर्नमेंट सर, बैंक्स सर, कोऑपरेटिव बैंक्स सर, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन 2SS के अंदर हो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। तो अगर मान लीजिए क्या ये 2T के लिए भी सेम एप्लीकेबल है? सर सॉरी सर, 2T के लिए कोई भी सर ऐसा एग्जम्पशन नहीं दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा सर, जब आप रिपेमेंट करोगे तो ऐसे केस में 2T तो लगेगा आप पे, पर जो रिसीव करेगा उस पर 2ST भी लग सकता है। क्लियर सर। अगला क्वेश्चन लोगों ने पूछा कि भाई साहब क्या आपके पास लोन्स एडवांसेस, मान लीजिए कुछ सम रिसीव करता है फ्रॉम बाय गवर्नमेंट कंपनी और एनी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल और स्टेट प्रोविजनल एक्ट, क्या ये जो गवर्नमेंट कंपनी है या स्टेट प्रोविजनल एक्ट से जो कंपनी है, क्या उनको एग्जम्पशन है? सर यहां पे अभी एग्जम्पशन नहीं दी है, जस्ट SS में दी हुई है, जिसने टी में दी हुई है, पर द सेम एग्जम्पशन वॉज नॉट गिवन टू देम। तो आई बिलीव जो ये थर्ड पॉइंट है जहां पे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो मुझे लगता है उस केस में इन्होंने इनको कवर ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं मेजरली, दे टॉक अबाउट कि क्या 271DA डिग्रीज यू पेनल्टी इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ 2GST, और 271D बात करता है कि जो बात करता है 2SS, और 271E की बात करता है जो बात करता है 2T की, दोनों में क्या फर्क है,
और कुछ एग्जाम्पल देके बताएं कि जहां पे जैसे आपने हमने समझाया कि जहां पे 270 लग जाएगा और 2 लेकिन 271 डीए मतलब डायनेस्टी का भी वोल्यूशन है, क्या एक का वोल्यूशन अगर रीजनेबल बिलीव की ज्यादा ठीक हो गया तो क्या दूसरे में पेनल्टी भी नहीं लगेगी? सो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट तो 2SS और 2T इसे पेनल्टी लग रही है 271D और 271E में रिस्पेक्टिवली, और उसको कोरिलेट कर रहे हैं साथ के साथ रेट विद करते हैं हम 273B, और 273 बोलता है जहां पे रीजनेबल आपके पास कॉज है वहां पे पेनल्टी नहीं लगेगी, बट जहां पे हम 271DA की बात कर रहे हैं सर वहां पे 273B का कोई रोल नहीं है। 271DA क्या बोलता है? गुड एंड सफिशियंट कॉज। तो जब गुड एंड सफिशियंट कॉज बोलता है और रीजनेबल कॉज, सो गुड एंड सफिशियंट कॉज इज मोर ग्रेवर, इसमें आपको ज्यादा ओनस इज मोर ऑन यू टू प्रूव इट कि गुड एंड सफिशियंट कॉज है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कुछ पेमेंट लेने के लिए उसकी कंपनी बंधक रखी, बोले भाई इतनी पेमेंट दे, उसे बंधक रखी तो उसने उतने पैसे उसको दे दिए, मान लीजिए उसने टी गई उसने रिपेमेंट कर दी, तो ऐसे केस में जो जो रिपेमेंट कर रहा है वो बोलेगा भाई साहब रीजनेबल कॉस्ट था नहीं तो ये मेरी गोली मार देता, बट अगर उसका रीजनेबल कॉस्ट था तो क्या ये गुड सबमिशन कॉस्ट है? जो व्यक्ति पेमेंट रिसीव कर रहा है जिसने कंपनी की मंजूर रखी कि भाई साहब ये उसके लिए गुड सबमिशन कॉस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज इलीगल इमोरल कि आप किसी पे कंपनी मंजूर रख के आप रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे केस में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी सर आपका गुड सबमिशन कॉस्ट नहीं लगेगा, सर सामने वाला का रीजनेबल कॉस्ट हो जाएगा पर आपका गुड एंड सफिशिएंट कॉस्ट नहीं होगा। लास्ट, कई बार एक कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट आई है विच आई डोंट वांट टू डिस्कस प्राइमरी ऑन दिस। सर उस केस जजमेंट में क्या हुआ हैपेंड कि उसके अंदर क्या हुआ, उस जजमेंट में उन्होंने 40A3 के लिए उन्होंने डिस्कस ये किया है कि भैया पेनल्टी किस पे लगनी चाहिए, तो 40A3 के लिए उन्होंने बोला है कि सिर्फ एडिशनल अमाउंट जो 20,000 से ऊपर है या 10,000 से ऊपर उस पे लगनी चाहिए। आई बेग टू डिफर विद कर्नाटका हाईकोर्ट जजमेंट, और लोग बोलते हैं शायद उसने एसटी पे भी लग जाएगा, बट आई बेग टू डिफर विद दैट। आई बिलीव हमारा ट्रेडिशनल हाई कोर्ट और बहुत सारे जजमेंट ऐसी हैं शायद ऑलरेडी लिखा हुआ है, नाउ द एक्ट वाज चेंज, अब पेनल्टी पूरे पे लगेगी, स्टिल यू कैन ऑलवेज टेक दिस बाय दिस पॉइंट। अब लेट अस कम टू कि भैया जो आपने रिपोर्टिंग करनी है, अब रिपोर्टिंग में दिक्कत क्या है, व्हाट दे डिड इज इन्होंने तीन या चार पैराग्राफ बनाया, एक अकाउंट पेज है, एक बार ड्राफ्ट का बनाया, फिर दूसरा बनाया। अब हुआ क्या है, ये नॉट ओनली रिसीविंग, ये पेमेंट के बारे में चाह रहे हैं। सर टारगेट क्या है? सर अगर आपने रिसीव किया, यस एसटी का वॉल्यूशन है वो आपको रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट चाहे मैंने आपको बताया चाहे टेक्निकल वॉल्यूशन है 271D में पेनल्टी लगी वो आप गुड एंड सफिशिएंट कॉस्ट जब असेसमेंट होगी तब आप कर पाएंगे, बट आपको सर रिपोर्टिंग करनी है। सर पेमेंट से क्या दिक्कत आएगी? सर पेमेंट का टारगेट क्या है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मान लीजिए आपने मुझे कुछ पेमेंट दी पर मैंने रिपोर्ट नहीं करी किसी वजह से, ऐसे केस के अंदर अगर मैंने रिपोर्ट नहीं करी पर आपने पेमेंट करते हुए आपने रिपोर्ट कर दी, सर वो मेरे पैन नंबर से मैच करेंगे और मुझे पकड़ेंगे कि नितिन जी आपने रिपोर्ट नहीं की, उनको तो कह रहे हैं कि आपने पेमेंट दी है। दूसरा केस, अगर मान लीजिए मैंने पेमेंट करी और मैं रिपोर्ट कर रहा हूं पर साथ के साथ अगर मान लीजिए 40A3 का भी वॉल्यूशन हो रहा है, मैं उसमें डिसअनाउंस नहीं कर रहा या उसमें नहीं रिपोर्ट कर रहा, या फिर मान लीजिए जहां पर मैंने कोई एसेट लिया है, डेप्रिशिएबल एसेट लिया है 10,000 से ऊपर कि पेमेंट कर दी है क्योंकि यहां पे 2,00,000 से ऊपर है, तो ऐसे केस में जो मैं सेक्शन बोल रहा है आप कि अगर आप 10,000 से ऊपर करते हो तो जो ओवर एंड अबव पेमेंट है 10,000 वो आपको फॉरगो करनी पड़ेगी, उसमें डेप्रिशिएशन भी मिलेगा, तो ऐसे केस में क्या मैंने वो चीज फिक्सेशन में डाली है? अगर वो नहीं डाली है तो सर आपको क्रॉस चेक भी करना है, ऐसा ना हो कि आप यहां पे तो रिपोर्ट कर दो पर वहां पे रिपोर्ट करना बंद कर दो, बाद में 271J का पेनल्टी आए, कोई नोटिस आए तो आप बोलो भाई सर क्या बात कर रहे हो, रिपोर्ट तो मैंने पूरी करी है। सर सर रिपोर्ट का क्या मतलब है? रिपोर्ट का मतलब अगर आपने यहां पे रिपोर्ट किया है क्या उसका आफ्टर इफेक्ट दूसरे किसी सेक्शन में पड़ रहा है? अगर उस सेक्शन में हो रहा है तो वहां पे भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। आई बिलीव तुझने एसटी इज कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट तुझने एसएस। अगर मैं तुझने एसएस की बात करूं सर, तुझने एसएस के अंदर बेसिकली सर ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें लगेंगी, इसमें बेसिकली जो इश्यू सेक्शन स्टार्ट होता है वो बोलता है नो पर्सन शैल एक्सेप्ट फ्रॉम एनी पर्सन एनी अदर पर्सन किसमें एनी लोन एनी डिपॉजिट और एनी स्पेशल सम। सर स्पेशल सम कभी 2015 से आया था, स्पेशल सम क्यों आया, लोगों ने क्या किया सर प्रॉपर्टी इमोबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उन्होंने सर कुछ एडवांस देना शुरू कर दिया और वो भी कैश के अंदर, तो ऐसे केस में उन्होंने बोला कि भाई कोई भी पेमेंट अगर आप कैश में लेते हो वो दिन 20,000 रुपीज चाहे इमोबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और चाहे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ, तो अगर 20,000 से ऊपर है सर तो उसमें एसएस का वॉयलेशन है, आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा।
और साथ के साथ उन्होंने क्या किया, लोन और डिपॉजिट में फॉर मनी की बात कर दी और टू एसेस के अंदर एक एक्सेप्शन डाल दिया। एक्सेप्शन में क्या डाला कि मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरिस्ट, मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर मैं इनकम कमाता हूं, आप भी एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं और मान लीजिए आपसे मैं कोई पेमेंट लेता हूं, कोई पैसे लेता हूं लोन के रूप में, तो ऐसे केस में ये इसमें कवर नहीं होगा। बट एक कंडीशन है कि ना मेरी इनकम ना आपकी इनकम, दोनों की इनकम सम चार्जेबल टैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई और अदर इनकम एग्रीकल्चर से ऊपर नहीं होनी चाहिए तो सम चार्जेबल टैक्स, मतलब 2.5 लाख से ऊपर मेरी इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका अमाउंट ज्यादा हो सकता है। अब ऐसे केस में मान लीजिए मैं भी एग्रीकल्चरिस्ट हूं, आप भी एग्रीकल्चरिस्ट हो और मान लीजिए आपकी कोई रेंटल इनकम भी है 4 लाख रुपए की, पर आपने मुझे नहीं बताई और ऐसे केस में आपने मुझे लोन दे दिया। अब यहां पे तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या 271D में पेनल्टी लग पाएगी? सर मुझे एक बात बताइए, सर जिससे आप उधार ले रहे हो क्या आप उससे पूछ सकते हो कि भाई साहब कि आपकी कोई और इनकम नहीं है? सर अगर एज अ प्रूडेंट पर्सन मुझे लगता है इसके बाद एग्रीकल्चर के अलावा कोई इनकम नहीं है, या फिर मान लीजिए से बैंक इंटरेस्ट भी आ रहा है 4 लाख रुपए का, मुझे बैंक कोई अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएगा नहीं, तो ऐसे केस में टू माई माइंड 271D रेड विथ 273B सर रीजनेबल कॉज है, सर कंडी नहीं लग पाएगी। दूसरे टी के अंदर अगर हम बात करें, दूसरे टी के अंदर सर यहां पे सर एक इशू बहुत बड़ा है सर, नॉन कॉर्पोरेट एसेसी, इसमें दो जगह डिफरेंशिएट किया है। नॉन कॉर्पोरेट एसेसी में काइंड्स भी कवर किए हुए इन्होंने। मान लीजिए मैंने आपको से 50,000 रुपए देने मैंने आपको एक कोई प्रॉपर्टी दे दी अदर देन, क्योंकि तीन मोड ही है इसमें भी, तीन मोड है तो काइंड्स भी कवर्ड है। कॉर्पोरेट एसेसी में सिर्फ आपने सम पेबल की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में प्लीज ध्यान रखे नॉन कॉर्पोरेट एसेसी के अंदर सर काइंड्स कवर्ड है। सर ऐसे केस में प्लीज ध्यान दे कि भैया कोई काइंड में रिपेमेंट तो नहीं हो रही है, तो अगर काइंड में रिपेमेंट हो रही है तो सर ऐसे केस में क्या होगा सर, आपका सर सर वॉल्यूशन होगा, सर पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी वो ऑलरेडी हमने टू एस्टीमेट डिस्कस कर लिया है। विद दिस आई बिलीव आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल ST, 271SS एंड 270T विद ऑल एग्जांपल्स। और अगर आपको लगता है कि इस डेलिब्रेशन में कोई पॉइंट छूट गए हो तो प्लीज मुझे SMS करें। माई नंबर इज 9810387163। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 9813187163। और मेरा ईमेल आईडी है nitinkanwar@globalca.in, nitinkanwar@globalca.in। और अगर आपको लगे किसी और पॉइंट पे हमें और डिस्कस करना है तो प्लीज हमें प्लीज बताएं, और कोई पॉइंट हमसे छूटता है, कुछ और हमें इंप्रूवमेंट करनी होता है तो प्लीज बताएं। थैंक्स लॉट। नाउ टू SS 31 की बात करते हैं, SS, ST और T की बात करते हैं। नाउ SS सबको पता है 20,000 से ऊपर की बात करता है, देन स्पेसिफाइड सम भी है, देन ST बात करता है 2 लाख की बात करता है। मैं 2-3 इश्यूज मेजर आपको बता देता हूं। पहला, जब हम बात करते हैं रिलेशन टू SS की बात करते हैं और ये समझ में आया तो हमारे को बाकी सारे केस भी समझ में आएंगे। अब होता क्या, मान लीजिए मैंने को कैश में लोन ले लिया 20,000 से ऊपर, राइट 20,000 से ऊपर ले लिया, तो क्वेश्चन उठता है, अब CC डॉक्यूमेंट मेरा है तो मैं क्वेश्चन इस पहली बात, क्या लोन कैश में लेना कोई पाप है? क्या ये SS में कवर हो जाएगा? तो क्या मैं रिपोर्ट करूंगा? एक बात। दूसरा केस पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए मेरे पास कोई क्रेडिटर बड़ा था, मैंने क्रेडिटर से डिस्कस किया, उसने बोला भाई साहब आप एक काम करो, पेमेंट तो आप इंटरेस्ट सीख देते हो, मुझे पेमेंट तो चाहिए नहीं, आप एक काम करो लोन में कन्वर्ट करो और मुझे आप इंटरेस्ट देते रहना। अब मैंने जर्नल एंट्री से वो क्रेडिटर को लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो माय क्वेश्चन इज क्या SS का हनन हो गया? अगर लिटरली स्पीकिंग हो तो आंसर इज यस। तो प्लीज अप्रिशिएट करें, मैं कुछ जजमेंट्स आपको बता रहा हूं वो लिख लीजिए प्लीज। दो जजमेंट है, एक अखिलेश यादव और एक डिपल यादव की, अलाहाबाद हाईकोर्ट की है, अलाहाबाद हाईकोर्ट की है, जहां पे कैश लोन लिया था। तो जहां पे सर बकायदा अलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला था, बिकॉज SS ST और T का काम क्या है, इनका टारगेट है टू कर्ब ब्लैक मनी। अगर SSC ये बता रहा है मैंने लोन किससे लिया है और ये प्रूव कर देता है और कहीं पे ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो सर SS का वॉल्यूशन नहीं ले सकता, 271D की पेनल्टी नहीं ले सकती। अगर मान लीजिए लेट अस से मैंने कोई एंट्री, मतलब जनरल एंट्री से कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिटर को कन्वर्ट कर दिया है लोन में, तो कुछ जजमेंट बता रहा हूं नोट कर लीजिए। CIT वर्सेस नोएडा टोल ब्रिज, CIT वर्सेस नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड, 2003 का जजमेंट है, 262 ITR 260 दिल्ली हाईकोर्ट, 262 ITR 260 दिल्ली हाईकोर्ट। CIT वर्सेस बॉम्बे कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बॉम्बे कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 2008 का जजमेंट है, 301 ITR
328 गुजरात हाईकोर्ट, 301 आईटीआर, 328 गुजरात हाईकोर्ट। उसके बाद सीआईटी वर्सेस वर्ल्ड वाइड टाउनशिप, सीआईटी वर्सेस वर्ल्ड वाइड टाउनशिप प्रोजेक्ट लिमिटेड 2014 का जजमेंट है, 367 आईटीआर, 367 आईटीआर 433 दिल्ली हाईकोर्ट, 367 आईटीआर 433 दिल्ली हाईकोर्ट। और एक जजमेंट है सर सुप्रीम कोर्ट का, सीआईटी वर्सेस आदिनाथ बिल्डर्स, आदिनाथ बिल्डर्स 2019 में आया था, 102 taxman.com का जजमेंट है। यहां पे उन्होंने बोला था कि भैया अगर मान लीजिए कोई ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है, कोई ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे केस के अंदर सर कोई कैश एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई कैश एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे केस के अंदर अगर आपने जनरल एंट्री से पास किया है तो ऐसे केस के अंदर सर 271D की पेनल्टी नहीं ले सकती। अब अगेन मैं बता रहा हूं सर, मान लीजिए मैंने कैश लोन लिया है, अगर मैं कैश लोन डाल दूं या फिर मैं मान लीजिए जनरल एंट्री वाले में अदर से डाल दूं तो क्वेश्चन ये है कि 143 बने में तो कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैंने बताया पेनल्टी लगने के लिए देयर हैज टू हैव सम सैटिस्फैक्शन, राइट, डिस्क्रिशनरी पावर है तो आपको सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी तभी एओ लगा पाएगा, तो 143 बनने में तो कोई तरीका है नहीं, पर पॉसिबिलिटी आर वेरी वेरी ब्राइट दैट 143 या फिर 148 हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज राइट। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं तो बोलूंगा थ्रू अकाउंट पे चेक ही लिखूंगा और आपको एमआरआई में लिखूंगा मैंने अकाउंट पे चेक क्यों लिखा है, बिकॉज आई एम रिलाइंग ऑन दी जजमेंट्स। और जब मैं जजमेंट का रेफरेंस दूंगा एमआरआई के अंदर तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि सर व्यक्ति ने कैश लोन लिया या जनरल एंट्री से पास किया है, दो इसने वहां पे उसमें लिख दिया है और जजमेंट रिलाय अपॉन किया है, पर एक्चुअली में इन इन डेटों के अंदर कैश लोन लिया है और इन इन डेटों में जनरल एंट्री से इसने सर लोन में एंट्री ट्रांसफर करी है, मैं क्लियर हूं आपको सर, तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी तब जाके आपका सर टॉक्स ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट होगा, 3CA का 3 नंबर, 3CB का 5 नंबर। क्लियर सर, कोई इशू है तो बताइए सर प्लीज इसके अंदर। नितिन सर मेरी एक क्वेरी इस पे, सर एक जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी ना सर, इनका कोई इतना ज्यादा प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होता, ये क्या करते हैं जैसे किसी का एफडीआर बनाना है तो भी 50,000 रुपया कैश ले लिया, सीधा एंट्री कर दिया, एफडी बना दी 50,000 रुपये की, सीधी सेविंग से एंट्री नहीं करते हैं, तो सर इसमें कोई वॉयलेशन मतलब रहेगा रहेगा इस चीज का? तो राकेश भैया मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन अगेन बताया मैंने सर 3C डॉक्यूमेंट किसका है, ऑडिटी का है जी जी, तो ऐसे केस में क्या होगा, रिलाइंग ऑन दी जजमेंट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो क्या होगा आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में प्रॉपर डालना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको प्रॉपरली रिपोर्ट करोगे, मान लो मैं ऑडिटी हूं, मैं इस पर लिख देता हूं जी, तो मुझे 143 बनने में तो दिक्कत नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी 143 या 148 में लग गया तो वो दिक्कत आएगी मेरे को सर, अब समझ बात हो गई, और देयर वाज ऑलरेडी अ जजमेंट्स जो मेरे फेवर में है तो मैं अननेसेसरी रिस्क में क्यों जाऊंगा। तो अगेन बताया कि सर आपको ऑडिट करना है, जो मैंने आपको पिछले सेमिनार में समझाया था, आपको ऑडिट होना है 3CA और 3CB से, जी। तो 3CB का 3 नंबर, 3CB का 5 नंबर ध्यान रखें, बीइंग एन ऑडिटी मैं अपने आप को रिस्क में नहीं डालूंगा, मैं साफ बता रहा हूं आपको जी जी, ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़े सर। अब आते हैं सर 28 पे और सर 32 पे, सर 28 हो चुका, 32 पे आते हैं सर, ये टॉक्स अबाउट स्पेकुलेशन लॉ 73, 73A, 79 की बात करता है और आई बिलीव एवरीबॉडी नोज अबाउट इट।